बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यहाँ पर आपको बड़ी अपडेट थे आगाह करते चले और ये अपडेट सामने आ चुकी है। मौसम गर्मा में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पर आपको बड़ी अपडेट थे आगाह करते चले। मौसम गर्मा में एक बार तो फिर से वो मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी का शदीद आगाज़ हो चुका है। जैकाबाद, कराची और मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत जैकाबाद में 43 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 34, जबकि कराची में 38 और उसके साथ दीगर शहरों में 40 तक पहुँच चुका है सिंध के। तो यहाँ पर आपको बताते चले, तमाम तालीमी इदारों में गर्मी की छुट्टियों के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। 2024 में तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को गर्मी की छुट्टियाँ कब लगने जा रही हैं, एक मरतबा ताज़ा तरीन तफ़सीलात सामने आ चुकी हैं। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर आपको अब तक की सबसे बड़ी अपडेट से आगाह करता चलूँ। 2024 पाकिस्तान में तमाम तालीमी इदारों में एक मरतबा फिर से अहम तरीन अपडेट सामने आ चुकी है। तमाम स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में मुल्क भर के अंदर, जो पंजाब है, हैबर पख्तूनख्वा के अंदर, एक मतलब फिर से 1 जून से लेकर 15 अगस्त तक छुट्टियां देने की तजावीज़ तैयार कर ली गई हैं। जबकि आपको 1 जून से या फिर 25 मई से आपको गर्मी की छुट्टियां होने जा रही हैं, तो तबियत तलबात की मौजें लगने जा रही हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपको 1 जून से छुट्टियाँ या फिर 25 मई से हों, और कितनी छुट्टियाँ आपको होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर आपको बताते चले, छुट्टियाँ आपको ज़्यादा चांसेस जो हैं वो 1 जून से होने के हैं। 1 जून से स्कूलों को इंशाल्लाह जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पर आपको जल्दी छुट्टियाँ भी हो सकती हैं।